आर्टिकल 46 में भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी, कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं वो सबके ऊपर बराबर से लागू हों, ये जिम्मेदारी जो है ये भी है हमारी हुकूमत की, तो वो वायलेट हो रही है। तो भाई बात निकलेगी तो फिर दूर तक लग जाएगी। इस वजह से हमें ये बात बिल्कुल जहन में अपने अंदर साफ कर लेना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है कि कोई, लिहाजा ये कि हम खाली ये नहीं कि हम अपने गुस्से का खाली इजहार नहीं करें कि साहब हम नहीं बोलते आपसे, आप बहुत ख़राब आदमी हैं, एक तो ये भी ठीक है, ये भी अच्छा है, लेकिन ये कि भाई आपके अंदर क्या क्या ख़राबी है, बहुत प्यार से हम आपको समझा रहे हैं, देखिए अब ये आप बराबर मानिए इससे दूरी रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। एंड ए फ्यू पर्सन्स शुड नॉट बी अलाउड टू हाईजैक द नेशन स्टेट। कुछ लोगों को हम इजाज़त नहीं दें कि वो मिलकर के पूरे मुल्क का एजेंडा तय करें और पूरे मुल्क को हाईजैक करके ले करके चले जाएं। ऐसे कैसे, आपको आवाज़ उठानी होगी, लेकिन अगर आवाज़ नहीं उठाई, मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, मैं अपने घर में बैठा रहता इस वक्त भी और आकर के ये सब कैमरे के ऊपर नहीं बोलता, है ना, इसलिए। लेकिन ये कि मैंने तो पहले ही लिख करके जगह जहाँ जहाँ स्पीच देता हूँ, ये प्रेजेंटेशंस करता हूँ, वहाँ पहले ही एक स्लाइड दिखा देता हूँ, अगर कोई हुकूमत का बैठा हुआ हो कि साहब मुझे आपसे, आज की हुकूमत से या आपकी आगे की आइंदा की हुकूमत से कुछ नहीं चाहिए, खुद ज़ाती तौर पे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आज भी ऐलान कर रहा हूँ, कुछ बेलौस लोगों को सामने आके ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन ये भी मैं आपको बताऊँ, वो जो 18 पॉइंट मैंने जून 2013 में नरेंद्र मोदी साहब को बताए थे, उसमें से 3 पॉइंट उन्होंने खामोशी से इम्प्लीमेंट कर दिया जी, इस वजह से कि ज़मीर जो होता है वो इंसान का ऊपर वाला बनाता है, ला बनाता है ज़मीर तो जो कॉन्शियंस है, यही फ़र्क है इंसान में और बाकी जितने क्रिएचर्स हैं सब में। फरिश्तों के पास भी ज़मीर नहीं होता, उनके पास भी, वो तो खाली सजदा करते रहते हैं, उनके पास ज़मीर नहीं, अक़ल है लेकिन ज़मीर नहीं है। ज़मीर के मतलब यह है कि दो रास्ते हैं और तुम चुनोगे तो कौन सा रास्ता तय करोगे, तो लिहाजा ये जो ज़मीर है, कॉन्शियंस, ये बड़ी भारी चीज़ है और इसी वजह से अशरफुल मखलूका कहलाते हैं हम लोग, जो बेस्ट ऑफ क्रिएशंस इंसान कहलाता है जो, तो ये ज़मीर काम कर गया मोदी साहब का भी, 3 काम, उसका जिक्र मैं अलग से करूँगा कभी आपसे प्रेजेंटेशन में, लेकिन मैंने भी उसका कुछ और नहीं बचाया, हमें तो ऊपर वाले सवाब लेना है कि भाई ठीक है आपने बात अपनी कह दी और सूनर और लेटर हो गया। वी शुड नॉट रीच ए स्टेज वेयर एन इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव इज अपोज्ड ऑन स्ट्रीट्स। ये सिचुएशन जो है, जो कि इस वक्त अमेरिका में चल रही है, जो इलेक्ट हुआ है बंदा उसी के खिलाफ पूरे मुल्क के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये डेमोक्रेसी कहाँ हुई है? तो हमें तो उनसे अमेरिका के जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उससे बेहतर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ अपने रखने चाहिए। इलेक्टोरल लॉ शुड बी अमेंडेड, वो तो मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया था। देखिए जैन बुक डिपो कनॉट प्लेस में है, वहाँ से अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन ख़रीद के लाऊं तो मैं उनसे ये तो नहीं कहूँगा कि या तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट करवाओ वरना इसको छापना बंद कर दो। ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल अवार्ड के लिए या जमात इस्लामी के लिए बात की जा रही है कि साहब या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का तफसीर छापना बंद कर दीजिए वरना पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट करवाइए। अरे भाई मैं एक नेक काम कर रहा हूँ कि छाप रहा हूँ, आप उससे फ़ायदा उठा सको तो उठाओ जितना ज़्यादा हो सके। थोड़ी है कि अगर पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट नहीं हुई तो मैं ही उसको छापना बंद कर दूँ। और दूसरी चीज़ ये हमारा हर मज़हब ये सिखाता है, इस्लाम भी यही सिखाता है, एक तो आवाज़ हल्की, दूसरी चीज़ ये अपनी बात कहो ना भाई, ज़रूरत क्या है कि नहीं साहब बाहर जाने हुए कि एक आदमी को अगर एक तंजीम को अगर लाखों लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो वो लाखों के लाखों सब गलत हैं, तो ये तो ज़रा थोड़ा ये तो बहुत हल्की फुल्का सा मुद्दा है साहब। मैं आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, चूँकि आपकी सियासी पार्टी भी है, तो आपकी सियासी पार्टी भी आम आदमी पार्टी जब पावर में आई है उस वक्त आप भी थे उसके अंदर, तो मैंने लिख करके और सब अखबारों में छाप दिया था एक चौथाई पेज का कि मुसलमानों की ये डिमांड्स हैं कि आप ये काम रह गए हमारे ये काम करिए, पलट के ना कुछ हुआ ना किसी ने कोई जवाब दिया ना कुछ। तो वो पॉइंट्स कोशिश करूँगा मैं आदिल मोहम्मद साहब के ज़रिए कि आप तक भी पहुँचा दूँ। तो भाई ये कि हाँ, और हमने खाली आम आदमी पार्टी थोड़ी सभी को किया था, कांग्रेस ने नहीं किया तो उसको वोट नहीं दिया और जिससे उम्मीद थी उसको दिया नहीं वगैरह वगैरह।
तो ये मुझे दोबारा मैं आपसे अर्ज करूँगा बे इंतहा खुशी है कि मौका मिला और सोचने विचारने का मौका मिला। और कोई चीज़ अगर गलत है तो गलत है और उसको उसके जो रियल इंटेंशंस हैं उसको पहचान करके उसको जैसा ट्रीटमेंट उसको मिलना चाहिए वैसा ट्रीटमेंट देना, ये सब बहुत समझदारी की बात है। मैं फिर एक बार दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।